अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। आज ही हम लोग गीगा मॉल जा रहे हैं। मेरा तो ख्याल से मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा, और अगर मैं पहले गया हुआ भी होऊंगा तो मुझे अच्छे तरीके से याद नहीं मैं कब गया था। तो आज देखेंगे कुछ राइड्स वगैरह ले सकेंगे उधर तो लेंगे। और अभी तो फ़िलहाल टाइम हो रहा है तकरीबन 5 बजने वाले हैं, और अभी बाबा ने कहा कि चाय बना दो, उनके लिए अभी चाय बनाता हूँ, को देता हूँ, फिर चलेंगे गीगा मॉल की तरफ। ऑलरेडी बनी हुई थी तो हम लोग बस अभी चूल्हा जलाएंगे। और बस चाय रखते हैं, फिर ये गर्म हो जाएगी। सुबह भी मुझे पापा ने कहा था कि मेरी चाय गर्म कर लाओ, और चाय चूल्हे पर रखकर मैं भूल गया था। और जब मुझे याद आया ना, पापा ने कहा कि चाय किधर रहेगी, मुझे सबसे याद आया मैंने चूल्हे पर चाय रखी हुई है। और जब मैं गया तो मैंने देखा सारी चाय सड़ चुकी हुई थी, काफ़ी देर भी हो गई थी। पापा काफ़ी देर से वेट करते, पापा कहते कितनी को देर होगी, कितनी कब चाय लाओगे। तो चाय पूरी सड़ गई थी, पर उसके बाद और टाइम लगा चाय बनाने के लिए। फाइनली पापा को चाय दे ही दी। थोड़े बुलबुले आना शुरू हो गए, मतलब अब हो गई है। अब बंद करते हैं चूल्हा, ये हो गया, ये पापा को चाय देते हैं। ये ले लीजिए आपकी चाय, ठीक है। सुबह की तरह साड़ी नहीं है मैंने। अभी हम लोग घर से निकल चुके हैं गीगा मॉल के लिए, और अभी हम लोग शेले वाले रोड पे हैं। तो बाबा अभी कितनी को देर लग जाएगी गीगा मॉल पहुँचते पहुँचते? रश भी, हाँ रश आपको दिखाते हैं अभी कितना ज़्यादा है। बाबा वैसे सही कह रहे हैं, घंटा आधा एक घंटा तो लगेगा ऑलमोस्ट। जी अब हम लोग सदर क्रॉस कर रहे हैं, हम लोग फिलहाल जीपीओ के एरिया में हैं, और रश, सदर का रश बहुत ज़्यादा रश देख रहे हैं आप लोग। कचेरी का एरिया है। क्या होता है? कोर्ट्स होते ना अदालत, पहली दफा मैं वर्ड सुन रहा हूँ। कचेरी, कचहरी, ये देखे अयूब पार्क, अयूब नेशनल पार्क, सबसे पुराने पार्क में से है। हाँ, सबसे पुराने पार्क में से है। हाँ मुझे पता है, सब अयूब पार्क सबसे पुराने पार्क में से, पार्क्स में से। आगे अब एक जॉयलैंड भी खुल गया ना। हाँ, क्या नाम है इसका? जॉयलैंड नहीं, स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। आगे आगे थोड़ा सा। अच्छा, ये देखें जी, जब बाबा अभी उसकी बात कर रहे थे, अयूब पार्क के जो साथ खुला है जॉयलैंड, उसका व्हील नजर आ रहा था। आएंगे यहाँ पे भी कभी, आएंगे इसका भी व्लॉग बनाएंगे। तो जी हम लोग गीगा मॉल ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। अभी सामने वो गीगा लिखा नजर आ रहा था, शायद आप लोगों को नजर आ रहा होगा, मुझे नजर आ गया है। बस अभी हम लोग 10 को मिनट में पहुंच जाएंगे उधर, बस गीगा मॉल पहुँचने लगे। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, अभी जाऊंगा और कोशिश करूंगा सबसे पहले जाके झूलों पे कूद जाऊं। झूलों पे कूद जाऊं किरा बेटा, पहले नीचे जाएंगे, नीचे पहले शॉप्स देखेंगे, उसके बाद ऊपर फन सिटी की तरफ जाएंगे। फौरन से पहले फन सिटी नहीं जा रहे हम जी? अच्छा, जाएंगे जाएंगे फन सिटी जाएंगे। हाँ नहीं गए तो मैं नाराज हो जाऊंगा। जाएंगे फन सिटी, हाँ जाएंगे जरूर। चलेंगे, चलें अब मिलते हैं
अच्छा ये देखिए जी गीगा मॉल का क्लियर नजर आ रहा है। गीगा मॉल तो नहीं है, गीगा वो है, फ्लैट्स है। अच्छा गीगा मॉल का नहीं था टावर? नहीं नहीं गीगा लिंकन टावर, सॉरी गीगा मॉल वो आगे है, वो देखो हाँ उसका गीगा गीगा वो छोटा लिखा मैं आपको थोड़ी देर दे। आगे से जहाँ से वो गाड़ी रॉन्ग आ रही है ना इसके आगे से लेफ्ट होना। मैं भी पहली दफा आया हूँ, मुझे नहीं पता इसकी पार्किंग वगैरह क्या सीन है, जाके देखेंगे तो पता लगेगा। और हमार पहुंच गए, अब हम लोग पार्किंग में एंटर हो रहे हैं। अब हम लोग गीगा मॉल पहुंच चुके हैं, अब हम लोग पहली दफा आए हैं, पता नहीं मुझे याद नहीं मैं लास्ट कब आया था, मेरा नहीं ख्याल से मैं आया हूँ पहले मेरे ख्याल से मैं नहीं आया पहले। और अभी ये और अभी हम लोग एंट्रेंस पर पहुँचने वाले हैं। बेस्किन रॉबिन्स है और पॉप नॉश है और मेरा ख्याल से मैप के हिसाब से सारी जो मेन चीज़ें हैं वो सेकेंड फ्लोर पे हैं, फूड कोर्ट भी, फन सिटी भी और सनीपैक्स भी। मेरी और बाबा की जी नज़र वॉचेस पे जा रही है, काफ़ी खूबसूरत वॉचेस नज़र जा रही है, ये नज़र कहीं भी नहीं जा रही। बाबा जी अपनी फेवरेट फ्रेग्रेंसेस की दुकान पे चले गए हैं, कुछ देखते हैं अब उन्होंने क्या लेना है कुछ या नहीं लेना। जुनेद जमशेद पे आए जी, बाबा ने भी पहली ट्रिप अच्छी करवा ली है, उन्होंने परफ्यूम लिया है, अफ्तार से अपना पहला खर्चा करवा लिया, अभी उन्होंने और खर्चा भी करवाना है। तो पहले ये जी दो ब्रांड्स के नाम मैं पहली दफा सुन रहा हूँ, नाम भी बड़े अजीब अजीब से हैं, उर्गी जेफरी जीज। इन बच्चों के लिए तो जी मज़े हो गए। मेन फ्लोर पर जाने वाले हैं, अभी ऊपर जाके हमें ये नहीं पता कि हमें सबसे पहले फन सिटी जाएंगे या कुछ और करेंगे। तो हम लोग सेकेंड फ्लोर पे पहुंच चुके हैं, देखते हैं कि फन सिटी कहाँ और जो टर्किश आइसक्रीम वाले हैं वो भी कहाँ हैं। ले लिया है, काफ़ी खुश हूँ मैं, फन सिटी से ज़्यादा खुश हूँ मैं, काफ़ी देर से चाहिए था मुझे। मैं भी बोलूँ ना खर्चा करा दिया, सॉरी आप कब का खर्चा करा दिया, थोड़ा सा आपने अपना फ्रेग्रेंस पे खर्चा कराया, मैंने आपका माउथ ऑर्गन खर्चा करवा के निकल आए हैं।
माउथ ऑर्गन ले लिया है और 3500 का पड़ा है टोटल, और काफ़ी खुश हूँ मैं। अब इसको सीखेंगे, इसको कैसे बजाना है आता नहीं है मुझे, सीखूंगा इसको। और मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, देख रहा हूँ। अरे आया था आप आए थे नहीं? बहुत अच्छा। आगे जी सबसे अच्छी चीज़ ना ये एलिवेटर लगती है। पता लगा कि हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे नहीं, सेकंड फ्लोर पे नहीं है, हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे, तो अब हम लोग सेकंड फ्लोर पे जा रहे हैं। ये एलिवेटर पे चल के जो सुकून आता है ना, और ये स्ट्रेट एलिवेटर आपको दिखाता हूँ भी, काफ़ी अजीब सी। न्यू फ्लोर इज ओपनिंग सून। अच्छा जी, सामने जी थाईलैंड नाना, ऑन इट्स राइट साइड फन सिटी। चले बाबा फन सिटी चलते हैं। आइए, आपका इंतजार था फन सिटी। ये कैंडीज, हम लोग टर्किश आइसक्रीम पे आ गए हैं, तो अब देखते हैं ये हमारे साथ क्या शूल करते हैं। मैं जा रहा हूँ जी, मेरे फेवरेट एनिमल पैरेट्स। हमारे घर पे भी हैं पैरेट्स, और गीगा मॉल में भी हमें पैरेट्स मिल गए। अब ये अली को देखें, टर्किश आइसक्रीम लेने चेक करें इसके कौन
हो गई है। वो बैठ गए, मुझे उन्होंने कार्ड पकड़ा दिया, कहते हैं हो जाओ मस्ती करनी है। अमीन चाचू मेरे साथ आएंगे ताकि कोई तो बड़ा हो ना मेरे साथ। यो, तुम बड़े नहीं हो। I'm just a little baby. अली की चीखों की आवाज़ सुनने में मज़ा आएगा।
थोड़ी देर तक गली की चीखों की आवाज़ शुरू हो जाएगी। आप भी इंजॉय करें और हम भी इंजॉय करेंगे। उसका बहुत शौक है कि भाई मैं इसकी झूलर हूँ, लिहाजा देखते हैं कहाँ तक ये बर्दाश्त कर सकता। हाँ, अली के साथ एक और भी है, अब दो बच्चे होंगे। पहले अली अकेले बैठा था, अब दो हो गए। जहाज उड़ने को है, अली ने सीट बेल्ट बांध दिया। अली अली की शक्ल देखने वाली है। अब सारा कुछ हो गया, सारे मज़े वगैरह हो गए। अब हम लोग एलजी मतलब लोअर ग्राउंड घूमने, एलजी लोअर ग्राउंड और एग्जिट कर रहे हैं। अब हम लोग गाड़ी में गाड़ी देखेंगे, अब कहाँ खड़ी है हमारी गाड़ी में, फिर देखते हैं, फिर खाना खाने जाना है। अभी है अब चले 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 चलो तो जी, अब हम लोग सदर आ गए। अब हम लोग जा रहे हैं कटिंग करवाने, बाल काफ़ी ख़राब हो गए थे और टीचर ने भी वार्निंग दी थी कि बाल कटवाओ। तो अब बाल कटवाने और उसके बाद कुछ खाने जाना। जी हम लोग आ गए हैं मॉडर्न हेयर कट पे, यहाँ से अपने बाल कटवाते हैं। अब यहाँ से अपने बाल कटवाते हैं, फिर चलते हैं। तो जी अब बाल कटवाते हैं, बाबा उधर बैठे हैं, मैं इधर बैठा हूँ। काफ़ी ख़राब बाल हो रहा है, चलो कटवाते हैं। ये
नीचे मेरी कटिंग हो गई है, अच्छी कटिंग हुई है। अब वो उससे इधर जो बाल आते तो वो नहीं आ रहे, बाबा के अभी तक हो रही है। और ऑलमोस्ट पर बाबा की हो गई है, हो गई मेरे ख्याल से। बाबा इज फाइनली डन। जी हम लोग कटिंग करवा के निकल आए हैं, अब बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने जाएंगे। बाबा भूख लग रही है? ओ यस। और अमीन चाचू? ओ बहुत भूख लग रही है, सारों को भूख लग रही है जी। और जी हम लोग केएफसी पहुंच चुके हैं, बिल्कुल साथ ही था हमारी कटिंग वाली दुकान से। हमारे साथ बहुत बुरी हुई, हम केएफसी पे बहुत रश था तो हम लोग केएफसी नहीं जा रहे, अब हम लोग जा रहे हैं रेंचर्स। अभी हम लोग जा रहे हैं रेंचर्स और बाबा, मैंने तो पहली दफा ही जा रहा हूँ, बाबा पहले गए। अब हमारे बर्गर्स वगैरह आ चुके हैं, एक बाउचर मंगवाया है और दूसरे का मुझे नाम नहीं आता। बर्गर जी है मामा और बाजी के लिए भी पैक करवा लिए। आज जी हमने बाबा का बहुत खर्चा करवाया, सबसे पहले गीगा मॉल में और अब रेस्टोरेंट। बाबा मजा आ रहा है आपको इतने पैसे उड़ा के? ही इज एंजॉयिंग इट। तो बर्गर्स वगैरह हमने खा लिए, काफ़ी टेस्टी और जूसी बर्गर्स थे। इसके बाद से मेरे भी रेंचर्स के फेवरेट बर्गर्स हो गए हैं, बाबा के तो पहले से ऑलरेडी थे। तो वह मज़ा आया। तो जी अब हम लोग घर वापस आएंगे और काफ़ी मज़े का दिन था, अच्छा मज़ा आया। और अब मैं ब्लॉग को करता हूँ बंद, तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।